Hello students, today I am explaining last page of the chapter number 11, The Horse. Come to the chapter, The Great looked down, the creator looked down again and saw the horse standing in a narrow wall space 9 weekly. अब जब गॉड जो हैं हेवन से नीचे देखते हैं अर्थ पर, तो उन्हें क्या लगता है, देखते हैं कि घोड़ा तो वो दीवारों के बीच में अब भी बुरी तरह से चिल्ला रहा है और कमज़ोर हो गया और बंधा हुआ है वहाँ पर, उसको बांध रखा है किसने, मैन ने। हिज हार्ट वॉज फिल्ड विद पिटी, गॉड का हार्ट जो है दया से भर जाता है, मर्सी से, एंड ही सैड मैन, और वह उसने गॉड ने इंसान से कहा, अनलेस यू सेट द हॉर्स फ्री, तुमने अभी तक घोड़े को फ्री नहीं किया है, आई सेल गिव इट टीथ एंड क्लाउज लाइक द टाइगर्स, मैं इसे दांत और पंजे दे दूंगा टाइगर की तरह अगर तुमने इसे फ्री नहीं किया। मैन सेड, इंसान ने कहा, फादर दिस क्रीचर ऑफ योर डज नॉट डिजर्व फ्रीडम, इस ये क्रीचर जो है आज़ादी को डिजर्व नहीं करता है, क्यों, लुक व्हाट अ नाइस स्टेबल, आप देखिए कितना अच्छा स्टेबल बनाया है हमने इसके लिए रहने के लिए, आई हैव बिल्ट फॉर इट्स कम्फर्ट एंड वेल बींग, हमने इसके आराम के लिए, अच्छे भलाई के लिए ये स्टेबल बनाया है जिसमें हॉर्स को बांधा जाता है। बट कम टू द नेक्स्ट, बट द क्रिएटर इंसिस्टेड दैट फ्रॉम हेवन द क्रिएटर कुड सी द हॉर्स, जब जो गॉड हैं हेवन से देखते हैं, जब उसको हॉर्स को नीचे देखते हैं स्टेबल में, वो सिर्फ किसको देख सकते हैं, घोड़े को ही देख पाते, वो उन्हें सिर्फ घोड़ा दिखाई देता है उसमें स्टेबल में, बट नॉट द कोड, उसे रस्सी दिखाई नहीं देती है, किनको, गॉड को, उनकी रस्सी नहीं दिखाई, हॉर्स तो दिखता है ऊपर से, लेकिन जो पैर में ये रस्सी जो बांध रखी है, यहाँ पैर में दोनों पैर उसके बांध रखे हैं, कोड नहीं दिखाई, रस्सी नहीं दिखाई देती। ही ग्रू रेड विद सेम, गॉड को बड़ी शर्म आती है कि ये क्या, इन्होंने तो अच्छा किया है मैन ने, और मैन को ही मैंने डांट दिया। सो दैट वॉज द शॉर्ट ऑफ क्रीचर, ये इस तरह का एनिमल है, ही हैड मेड, जो उन्होंने उसे बनाया है। ही एडमिटेड टू हिमसेल्फ दैट इट वॉज वन ऑफ द वर्स्ट ब्लंडर इन टू विच ही हैड एवर फॉलन, उन गॉड को ये लगता है कि ये तो मेरी सबसे बड़ी गलती है जो मैंने ऐसा एनिमल बनाया। कम टू द नेक्स्ट, मैन सेड What is to be done with it? Man God से कहता है, आप बताइए कि अब हमें इसके साथ क्या करना चाहिए, इसका, इस एनिमल का। Are there no field in heaven? क्या heaven में कोई field नहीं है? Where it might be sent to room? जो इसको ऐसा कोई room दिया जा सके? The creator answered, God ने answer दिया, I have had enough of it, मेरे पास तो बहुत सारी जगह है। Take the creature back to your stable, तुम इसको वापस ले जाओ और स्टेबल में ही रखो। मैन सेड, मैन ने कहा, बट फादर व्हाट अ वर्डन इट विल बी टू मी, ये मेरे ऊपर तो एक बोझ हो जाएगा। द क्रिएटर आंसर्ड, क्रिएटर ने कहा, गॉड ने, यस बट बाई एक्सेप्टिंग द बर्डन यू विल शो योर ग्रेटनेस ऑफ हर्ट, लेकिन तुम इसका बोझ उठाकर तुम अपने हर्ट की ग्रेटनेस शो करोगे, यानी तुम कितने रहम दिल हो ये पता चलेगा जब तुम इनको, इसको स्टेबल में अच्छे से रखोगे। यानी इस चैप्टर में क्या है, मैन जो है गॉड को भी बेवकूफ़ बना देता है, यानी गॉड जो है, जब हॉर्स को मैन ने बांध लिया स्टेबल में, गॉड ने मना किया कि इसे छोड़ दो, तो बहाने से क्या बताते हैं, हमने तो इसकी अच्छाई के लिए किया है ये, क्योंकि ये इधर उधर घूम रहा था, इसके पास कुछ नहीं था रहने के लिए, हमने इसकी केयर के लिए सर्वेंट भी रखे हैं और इसको, पर उसके पैर बांध दिए थे उन्होंने, मैन ने उसके पैर, जिससे वो पैर नहीं मार पा रहा था, लेकिन गॉड को वो हॉर्स तो दिख गया हेविन से, लेकिन उसके पैरों पर बंधी हुई वो रस्सी नहीं दिखी थी। ओके, तो आई हैव कम्प्लीटेड दिस चैप्टर टुडे, आई विल प्रोवाइड यू वर्क ऑफ दिस चैप्टर थ्रू PDF नेक्स्ट डे।